हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास आई है XUV 500। इसके अंदर पावर विंडो है, पावर विंडो इसमें काम नहीं कर रहा है, विंडो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला मैं आपको विंडो चेक करके बताता हूँ। जो ड्राइवर साइड का विंडो है वो काम नहीं कर रहा है इसमें, ये वाले जो गेट का है, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। ये उधर वाला काम कर रहा है हमारा, पीछे के भी काम कर रहा है, बाकी ये वाला जो है ये वाला हमारा काम नहीं कर रहा है ये वाला। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ चेक करेंगे इसका। इसका फ्यूज़ भी आता है, आगे आता है इसका फ्यूज़। ये कवर खोलना पड़ेगा हमको, 3 स्क्रू पर ये कवर रहता है, तो ये खोलते हैं फिर फ्यूज़ चेक करते हैं। तो आप ये कवर खोलोगे तो कवर के अंदर ही इसका डायग्राम रहता है फ्यूज़ बॉक्स का। तो ये जो ऊपर से जो सेकंड नंबर की लाइन है, ऊपर वाले जो लाइन रहती है फ्यूज़ की, उससे सेकंड नंबर की लाइन पर आप देखोगे तो ये FR WIN लिखा है। इसका मतलब है फ्रंट विंडो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है ये। तो ये वाला फ्यूज़ हमको चेक करना है, फ्रंट विंडो वाला, फ्रंट वाला बंद है हमारा। ये रहा वो 25 एम्पियर का फ्यूज़, 3रे नंबर का निकाल लिया मैंने। तो जो इसका फ्यूज़ है, ये जो इसका फ्यूज़ है, फ्यूज़ तो बिल्कुल सही है, फ्यूज़ नहीं उड़ा है इसका। तो ये फ्यूज़ को मैं वापस लगा दूँगा, इसकी वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमको को इसकी ट्रिम खोलना पड़ेगी। सबसे पहले हम इसकी ट्रिम खोलेंगे, फिर इसकी वायरिंग चेक करेंगे पावर विंडो की, मोटर की। ट्रिम खोल ली है इसकी। अब जो इसकी जो विंडो की मोटर है, पावर विंडो वाली मोटर, वो ये रही, ये आपको दिख रही होगी, ये वाली मोटर है। और ये इसका सॉकेट है, वायरिंग का सॉकेट। तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, फिर इस पर हम सप्लाई चेक करेंगे टेस्टिंग लैंप से। स्विच से हम विंडो ऊपर नीचे करते हैं तो इस पर सप्लाई आती है माइनस प्लस। टेस्टिंग लैंप मैंने लगा लिया इसके अंदर। अब मैं आपको स्विच से चलाकर दिखाता हूँ। स्विच से हम चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये बल्ब जलेगा हमारा। तो ये बल्ब हमारा जल रहा है, मैं अभी नीचे कर रहा हूँ, अब ऊपर करूँगा, ये ऊपर पर भी जल रहा है। सप्लाई हमारी सही है। जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ये मोटर की प्रॉब्लम है, मोटर में कुछ फॉल्ट हो गया है। कांच को मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है। अब इसकी मशीन खोलेंगे हम पूरी कंप्लीट। तो 3 बोल्ट ये वाले खुलेंगे, एक बोल्ट ये वाला खुलेगा और एक बोल्ट ये नीचे वाला खुलेगा, और ग्लास के जो ये 2 स्क्रू ये वाले खुलेंगे, तो हमारी मशीन पूरी ऐसी कैसी बाहर आ जाएगी और कांच हम ऊपर कर देंगे इसका। मशीन खोल ली है मैंने इसकी, ये है इसकी मशीन। तो ये मोटर की प्रॉब्लम है, तो हमको मोटर खोलना पड़ेगी ये वाली। ये 3 स्क्रू पर कसी भी रहती है, 3 स्क्रू खोल लेंगे तो हमारी मोटर बाहर हो जाएगी। इसकी मोटर खुल गई है। अब इस मोटर को हम पूरा बिखेरेंगे। ये 4 स्क्रू पर खुल जाती है इसकी मोटर। तो 4 स्क्रू खोल के हम इसकी बॉडी के साथ ऐसी किसी आर्मेचर भी निकाल लेंगे और इसकी रागर भी निकाल लेंगे। मैग्नेट बॉडी बाहर निकालने के बाद जो इसका आर्मेचर है वो घुमा के निकालना पड़ता है, गियर में बैठा हुआ रहता है ये। इस तरीके से आप घुमा के निकाल सकते हो तो ये आसानी से बाहर आ जाता है। तो आर्मेचर तो इसका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आर्मेचर के अंदर। बाकी ये काला पड़ गया है इसका जो मुंह है आगे से, तो इसको हम साफ़ कर देंगे। ये जो दिख रहा है ये हिस्सा हम साफ़ कर देंगे अच्छे से। और कार्बन भी इसके सही है, कार्बन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसकी जो रॉकर है सिंपल, आप इसको ऐसे निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगी इसकी रॉकर प्लेट। तो ये रॉकर के कार्बन जो है वो कार्बन तो सही है, कार्बन भी अगर इससे ख़त्म हो जाते, कट जाते हैं, तो भी मशीन बंद हो जाती है मोटर हमारी। तो हम इसको सर्विस करके लगाएंगे। आर्मेचर पर जो आपको ये कट बने हुए दिख रहे होंगे, इसको भी आपको साफ़ कर लेना है। कुछ भी पतली चीज़ लेके आपको इस तरीके से साफ़ कर लेना है, इस पर भी कार्बन जम जाता है अंदर। तो इसको आप ऐसे साफ़ कर लोगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पर रिजमाल भी मारेंगे हम सेंडिंग पेपर। अब इसका जो मुंह है इस पर हमको सेंडिंग पेपर करना है अच्छे से, ज़्यादा भी नहीं घिसना है, सिर्फ साफ़ हो जाए ये इतना ही घिसना है इसको।
रेजमाल पेपर मारने के बाद जो इसके तार इस पे जॉइंट रहते हैं, पंच करे हुए रहते हैं, ये भी लूज हो जाते हैं तो भी आर्मेचर घूमने में प्रॉब्लम करता है। तो इसको हमको सब तरफ हल्का हल्का पंच करना है, धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना वरना टूट जाएगा ये। हल्का हल्का इसको पंच करेंगे तो जिसके तार है वो टाइट हो जाएंगे। सब तारों पर हल्का हल्का मारना है, सब जॉइंटों पर। तो ये आर्मेचर हो गया है कंप्लीट। अब इसकी जो मैग्नेट बॉडी है, ये मैग्नेट रहते हैं दोनों तरफ, इस पर भी आपको रेजमाल मारना है। इस पर भी कार्बन का डस्ट जम जाता है, तो पहले इसको कपड़े से साफ़ करना है अच्छे से। साफ़ करने के बाद इस पर रेजमाल जो है सैंडिंग पेपर वो मार देना है अच्छे से दोनों तरफ। अब फिटिंग करते हैं इसको। सबसे पहला राकर को आर्मीचर में बिठा लेना है, नहीं तो बाद में पहले राकर बिठाओगे आप तो आर्मीचर नहीं बैठेगा आपका। तो इस तरीके से आपको राकर बिठा लेना है। राकर का मुंह उल्टा ही रखना है आपको, जैसी राकर उसके अंदर बैठती है वैसा मुंह रखना है उसका। ये लगाने के बाद आप इस पर ऑयलिंग भी कर सकते हो। जो इसका आगे वाला जो गियर है, आगे वाले गियर पे इस पर आप ऑयल भी कर सकते हो। तो मैं ऑयल कर देता हूँ इस पर, गियर पर चलता है ये। फिर उसके बाद इसको बिठा देना है इस पर। सीधी पोजीशन देखना है, ये जो इसका दोनों मुंह है इसको आपको सीधा रख के जैसा आपने खोला था उसके उल्टी साइड अपोजिट साइड आपको घुमा के इसको बिठाना है। आप इसको कसोगे तो ये अंदर बैठ जाएगा धीरे धीरे करके। राकोर को भी आपको एक हाथ से पकड़ना है तो ये आसानी से बैठ जाएगा। तो ये बैठ गया है आसानी से। अब इसकी मैग्नेट बॉडी लगा देंगे, इस पर भी ऑयल डाल देंगे, इस पर बूथ चलता है। तो इसका सिंपल ऐसी कैसी बिठा के चारों स्क्रू कस के फिर चेक करते हैं मोटर चला के। मोटर को मैंने मशीन के अंदर फिट कर दिए। अब बैटरी से चेक करेंगे, ये बैटरी का वायर है ये, तो इससे चेक करेंगे हम। तो ये मैं चलाता हूँ तो ये हमारी काम कर रही है मोटर। दूसरी साइड भी चलाता हूँ मैं वायर पलटा के, ये दूसरी साइड भी चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही चलने में। तो इसको हम गाड़ी में फिटिंग करते हैं, पूरा फिटिंग करके फिर आपको चेक करके बताते हैं कैसी चल रही है मोटर। मशीन इसकी फिटिंग कर दी है, अब चला के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने तो चेक कर लिया, आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल जो होती है बिल्कुल वैसी चल रही है, बिल्कुल स्मूथ। इसका ऑटो वाला जो फंक्शन रहता है वो भी काम कर रहा है यहाँ तक। ये मैं दबा के इसको छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक गिलास उतर रहा है, ऑटो वाला भी काम कर रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।